Assalamu alaikum. Hi everyone, it's me Safiya Intizar. Welcome to my channel Cooking with Safiya Intizar. तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ सफिया इंतजार और आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी मसाला। तो इसके लिए कौन कौन से मसाले चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर सौंफ हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, जीरा वन टेबल स्पून, धनिया टू टेबल स्पून, लौंग 7 से 8 लौंग, जायफल एक टुकड़ा, जावित्री का छोटा सा पीस, बड़ी इलायची 4 अदद, छोटी इलायची 3 अदद, दालचीनी का 4 से 5 टुकड़े, छोटी इलायची 3 अदद, काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, 4 से 5 लौंग, 4 आलू बुखारा, 2 मैंने यहाँ पे तेज पत्ते लिए। इस प्लेट में जितना भी सामान है इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये हम साबुत डालेंगे, इसे रोस्ट भी नहीं करना। हल्दी हाफ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जायफल और जावित्री को मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो सके। बड़ी इलायची और छोटी इलायची को भी मैंने खोल लिया है इसको अच्छे से। दालचीनी, सौंफ, काली मिर्च, जीरा, धनिया, लौंग। अब इनको हम लो फ्लेम पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे। कभी भी तेज़ फ्लेम पे नहीं करना वरना ये जल जाएंगे और इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चलें इसको रोस्ट कर लें। आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिरयानी मसाले में एक तो फूड कलर ऐड कर देते हैं, दूसरा उसमें मेथी ऐड कर देते हैं और तीसरा बादियान का फूल। ये तीनों चीज़ें ही इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये खुद बहुत परफेक्ट बिरयानी मसाला रेडी हो चुका है। अगर आप ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे तो आपके फिर वो बिरयानी का टेस्ट नहीं देगा, वो एक गर्म मसाले का टेस्ट देगा और देगी जो हम चिकन बनाते हैं तो उसका वो टेस्ट दे रहा होगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इन तीनों चीज़ों को आपने इसमें नहीं देना। अगर देंगे तो वो फिर ऐसे ही टेस्ट होगा जैसे आपने सालन बनाई है, ठीक है। और सेकंड, जो आप फूड कलर डालेंगे वो इसको कड़वा कर देगा, ठीक है। तो फूड कलर हमेशा आपने जब भी डालना है बिरयानी में तो वो जब दम लगाएंगे तब हम ऐड करते हैं फूड कलर। तो इसमें आपने फूड कलर नहीं डालना। अगर आप चाहते हैं कि ये येलो आपको ज़्यादा नज़र आए तो फिर आप अपनी हल्दी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इसमें बादियान का फूल, मेथी और इसी तरह से आप इसमें ऐड कर देते हैं फूड कलर तो आपके बिरयानी मसाले को ये बिल्कुल ख़राब कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट रेडी हो चुका है। जब भी आपने बिरयानी बनानी है तो आप इसमें इस तरह से लेंगे, एक आलू बुखारा निकालेंगे इसमें से जैसे ये मैंने निकाला है और साथ में ये मसाला लेंगे और इसको आप उसमें डाल देंगे और देखिएगा बहुत अच्छी टेस्ट देगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताएं और हमें ये भी बताएं कि हम आपके लिए कौन कौन सी रेसिपीज लेके आएं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें।